यूकेजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम है अपने अंगद को, क्योंकि बच्चे बोल रहे इवनिंग में पार्टी, तो ये हो गया अपने अब जा रहा अपना चावल साथ एक मोए मोए मोमेंट हो गया सो है अपने जो भी सीरीज निकाला सो। वेलकम बैक टू दिस चैनल एवरीवन। तो भाई आज अपने को जाना है अंगद का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। अंगद भाई का एडमिशन होना है तो उन्हें यूकेजी क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे यूकेजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम है अपने अंगद को। अपना अंगद भाई पूरा पैड और आओ भाई आओ, एंट्रेंस एग्जाम भाई यूकेजी को क्या बोलना, रेडी है? चलो टू आवर्स लेटर। अंगद हम लिख के आगे सर है, बहुत बड़ा एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दे के आए सर। क्या क्या पूछे जी? नंबर्स का पूछे लिखे? हाँ। क्या था नंबर्स का? 1 to 50। 1 to 50 लिखे? हाँ। इंग्लिश में क्या पूछे? ABCD पूछे? ABCD मिलेगा? नहीं नहीं। अरे कुछ छोड़े क्या तुम? नहीं आता बोलोगे? क्या नहीं नहीं छोड़ा? सही सही बोलो। क्या क्या पूछे और? मैच करना था नंबर्स में। अच्छा मैच करें? हाँ। फाइव कैसा रहा था? फाइव। सीट पक्का करें सर का एग्जाम तो अच्छा दिखा दिख रहा। टीचर कुछ पढ़ाए क्या? क्या कहते उधर लिखना था पूरा चार पेजेस लिखे? हाँ। क्या लिखे? अंगद भाई तो एग्जाम लिख के घर को आ गए, फिर जाके लाना था अपने ध्रुवाद्या को। ध्रुवाद्या भी आ गए स्वयं घर को। अब जरा जाके अंगद भाई से थोड़ा फुर्सत में 2-3 वार्तालाप करेंगे। उन्हें आगे क्या हो रहा अपने मम्मी को? मम्मी मैं पास हो गया बोल को बोल रहा ना आगे सीधा थोड़ा पूछेंगे उसको। कहाँ है अंगद? कहाँ है? इधर आओ भाई। अंगद भाई तुम पास हो गए बोले ना मम्मी को? कौन बोले तुम्हारे को? सच्ची बोलो। खाली तुम्हारे कुछ बोले ना? किसी और को भी बोले? अभी नहीं ऐसे इसके एडवांस बता है ना सही में बोलेगी टीचर को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब वो पास हुआ क्या हुआ अपने को मैसेज तो आ ही जाता, तो अब देखेंगे अपन। 2000 years later फाइनली 2 दिन के बाद अभी एक मैसेज आया भाई। अपना अंगद तो बोल रहा था कि मैं अच्छा लिख लिया एग्जाम, मैं पास हुआ, तो टीचर मेरे को बोले पास हुआ थे बोल के। अभी मेरे को मैसेज आया कि भाई अंगद सही में पास हो गया सो है। मस्त शेड जो नहीं रहा नीला कमला सर ठंडा झूठ नहीं बोल रहा था अपना सही बोल रहा था। अभी अंगद भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन देने के बाद जाएंगे सीधा मिठाई लेके। अंगद भाई कंग्रेट्स। अरे भैया से हाथ मिलाओ भाई, भैया यूकेजी का एग्जाम क्लियर करे तो मेरे से मिला रहे। अभी अपना ध्रुव आद्य और कृष्णा तो गए सो स्कूल। इन्हें वैसे तो एग्जाम यूकेजी का पास करा लेकिन यूपीएससी का क्लियर करे सर की खुशी हो रही भाई। अभी 1 घंटे का टाइम है अपने बच्चों को आने के लिए, तो उसमें जाके अपन जाके ला लेंगे मिठाइयाँ लेके आके खा के सेलिब्रेट करेंगे। तो भाई मिठाइयों का तो हैवी स्टॉक ले लेके आगे से अपन लेके आए जाके मैंगो बर्फी, चॉकलेट बर्फी, ड्राई फ्रूट बर्फी, और उसके बाद लिए कलाकंद और बेसन के लड्डू भी लेना था, बेसन के लड्डू भी ले लिए। तो भाई अपने शेर को पहले क्या खिलाएंगे? बेसन के लड्डू? क्या आवाज आ रही है? पूरा गिड़िया रड़ा उसका ले लो हाथ में ले लो मजे करो खाओ खिलाओ उसको भी नहीं था ना जिन्हें नहीं था तुम्हारे को। तो दोनों बहन सेलिब्रेट कर ले रहे हैं खा ले गए तुम ना सेलिब्रेट करो। थोड़ी देर बाद अभी अपने बच्चों को स्कूल से ला लिया सो है अपन, और बच्चों को अभी जरा न्यूज मालूम चला सो है कि अपना अंगद यूकेजी निकाल लिया सो है। खुशी में नाच रहे अल्लाह। इसको जब से खाली डिनर बोलते ही स्टार्ट कर दे रहा है ना, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोला खाली। अब देखो जा रहा ना रुको खाली इसको बोलने दो फिर से करता देखो। तो जो अपन मिठाई लेके आए थे वो भगवान को भोग लगा दिए सो है। अब अपना जो खाने का रहता ना वो इवनिंग में पार्टी करेंगे अपन, क्योंकि बच्चे बोल रहे इवनिंग में पार्टी अपनी चाइनीज करेंगे वो। तो इवनिंग में प्लान करा जाएगा क्या क्या लाया जाएगा और क्या क्या खाया जाएगा। 2 hours later तो भाई अभी अपने साथ एक मोए मोए मोमेंट हो गया सो है। बात क्या है बोलते अपने को सुबह मैसेज आया अपना यूकेजी क्लियर कर लिया सो है बोल के, एडमिशन्स के लिए आओ ये डेट है बोल के। फिर अभी मेरे को एक मैसेज आया कि भाई जो भी मैसेजेस आए थे वो टेक्निकल एरर के वजह से गलत मैसेज आने चले गए सो है, फाइनल मैसेज मंडे आता बोल के।
तो अपनी जो भी तैयारी चल रही थी मिठाइयां तो लाके खा लिया अपन। एक्चुअल रिजल्ट अपने को मालूम होता मंडे के दिन। तो मंडे तो अपने को फाइनली मालूम हो ही जाता भाई, लेकिन अभी अपने घर में बन रही फ्राइड राइस, तो मेरे को एक रिक्वेस्ट भी आया था कि भाई जरा फ्राइड राइस की रेसिपी बताओ बोल के, तो वो रेसिपी मैं बता देता हूँ अभी। तो अपने घर में जो फ्राइड राइस बनती भाई, ऐसा पहले चावल कुक करके रख लेते अपन, ये कम्प्लीटली कुक दे गए थे, मैं पूछा कम्प्लीटली कुक करके रख लेते हैं चावल। ये बनने के बाद इसके अंदर तेल डाल के पहले गर्म कर लिए, फिर उसके अंदर गार्लिक डाले, फिर उसके अंदर ऑनियन डाले, ऑनियन डाल के फ्राई कर रहे। और ये है स्प्रिंग ऑनियंस, ये है कैप्सिकम, और ये है कैरेट, बीन्स और हरी मिर्ची। तो अब ये जो दालें इसमें ना, इन्हें थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया समझो, ये जो भी वेजिटेबल्स है इतना जाते हैं उसके अंदर, और ये जो भी अंडे हैं ना इसको फोड़ के एक उसमें निकाल लिए, सो वहाँ पे कढ़ाई में जाता हूँ उन्हें भी थोड़ा फ्राई करके डालते ना। तो ये हो गए अपने अंडे जितने भी अपने को डालना है फ्राइड राइस में उसके हिसाब से। तो अभी जो भी अंडे अपन निकाल के रखे थे उसको उसके अंदर डाल के अपने हिसाब से स्क्रैम्बल कर लेना उसको। और इसके अंदर आपको दो चीज़ जाती, नमक और ब्लैक पेपर। गोल्डन ब्राउन के पहले ही शायद इसके अंदर डाल दिए कैरेट, बीन्स और हरी मिर्ची। अभी स्प्रिंग ऑनियंस नहीं डाले सो है, इसको थोड़ा सॉटे करने के बाद अब इसके अंदर जा रहा नमक, नमक के बाद डाल रहे सोया सॉस, डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। इधर अपने एग्स भी स्क्रैम्बल होके रेडी हो गए सो है अपने। तो इन्हें सोया सॉस और नमक डालने के बाद ये कलर में आता है इन्हें, अपन जो एग बना के रखे थे स्क्रैम्बल एग, अब ये स्क्रैम्बल एग इसके अंदर जाते गए। थोड़ा डाल के सॉटे कर ले रहे इसको इसके अंदर ही। ये जो स्प्रिंग ऑनियन से खाली ये नहीं डाले सो अपन, अब जा रहा अपना चावल। ये बात अब बस खाली इसको मिक्स कर लेता, अपना फ्राइड राइस रेडी हो जाता। ये गया पूरा अपना चावल, ये रेडी हो गया अपना फ्राइड राइस। अब डाल रहे इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियंस, ये राज रहता समझो अपने को स्प्रिंग ऑनियन जो ग्रीन ग्रीन दिखता ना फ्राइड राइस में, तो उसको एकदम लास्ट में डालते समझो उसको। अब ये पूरा डाल के मिक्स करने के बाद इसके अंदर लास्ट में डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, इतना ही। अब इसको डाल के मिक्स कर लिए, अपना बन गया फ्राइड राइस, अल्टीमेट क्लासिक फ्राइड राइस है ये, एक फ्राइड राइस। तो भाई यही था अपने एक फ्राइड राइस की रेसिपी। अब इसी को लेके मज़े से मंचूरिया के साथ या चिकन के साथ जैसा भी खाना है खाते जाओ, मज़े लेते जाओ। तो अपने अंगद का जो भी रिजल्ट रहेगा भाई, जो मंडे को आता उसका पार्ट टू वीडियो बना तो मैं, रिजल्ट आया था लग अगर मैं वेट करा तो वीडियो भी थोड़ा डिले हो जाता, तो इसके लिए मैं पार्ट वन पार्ट टू वीडियो बना रहा हूँ। और एक चीज़ बोलना था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने जो भी सीरीज निकाला सो उसका मैं प्लेलिस्ट बनाया सो, तो जैसे कि अगर आप लोगों को चाय के रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप लोगों को सीधा उसका प्लेलिस्ट मिल जाता रिलेटेड टू चाय, तो आप लोगों को ढूंढने में परेशानी नहीं होती। और आगे जो भी अपन जो भी वीडियोस रिलेटेड वीडियोस रहते हैं उसका प्लेलिस्ट बना देता हूँ, ताकि अपने को जब भी अगर कुछ भी ढूंढना है समझो तो परेशानी नहीं होना अपने को ढूंढने में बोल के। बार अंगद भाई से बुला के बात करेंगे, राधे भाई तुम्हारे भाई को बुला के लाओ, अंगद भाई को बुला के लाओ भाई। एग्जाम अच्छा लिखे ना भाई, तो मंडे जो भी मैसेज आता उसमें भरोसा है ना आपने को निकल जाते बोल के। तो भाई अभी ये वीडियो को यहीं तक रखेंगे, आई होप ये लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय, टेक केयर। जो ग्रीन ऑनियंस है ये नहीं डाले सब, क्या बोलते हैं ये जो स्प्रिंग ऑनियंस है खाली।